आज हम डेली रूटीन के एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे, एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसे आप 5 मिनट लगाकर रोज कर सकते हैं। आप 5 मिनट लगाकर अगर आप रोज इस कार्य को करते हैं, रोज सुबह इस कार्य को करते हैं, तो आप मुंह के रोगों से बच सकते हैं, दांतों के रोगों से बच सकते हैं, गले के रोगों से बच सकते हैं, अपने दांतों को मजबूत बना सकते हैं। और अगर आप इन सभी रोगों से बचना चाहते हैं, अपने दांतों को, अपने जबड़ों को, अपने मसूड़ों को मजबूत और ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी और इस वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल में यह सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रतीक अग्रवाल, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, आयुष्मान आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इसका वर्णन आचार्य चरक ने चरक संहिता में सूत्र स्थान के 5वें अध्याय में बहुत ही विस्तार से इसका वर्णन किया है और उन्होंने कहा है कि इसे करने से, इस कार्य को आप अगर डेली रूटीन में करते हैं, डेली रूटीन में 5 मिनट लगाकर अगर आप इस कार्य को करते हैं, तो आपके दोनों जबड़े यानी जो जौ होते हैं, दोनों आपके जबड़े बहुत ही मजबूत हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं और बलवान हो जाते हैं। आपका जो स्वर है, आपकी जो वॉइस है, आपकी जो आवाज़ है, वह बहुत ही स्पष्ट हो जाती है, क्लियर हो जाती है और दूर तक सुनाई देने लायक हो जाती है। इसके अलावा आपकी जो जिह्वा है, जो आपको टेस्ट का सेंसेशन कराती है, वह भी टेस्ट का सेंसेशन आपको सम्यक रूप से होता है, स्पष्ट होता है। बहुत से लोगों का स्वाद उतर जाता है, उन्हें स्वाद की सम्यक अनुभूति नहीं हो पाती है, तो इसके प्रयोग से आपको प्रॉपर टेस्ट आता रहता है। इसके अलावा अगर आप रोजाना यह कार्य करते हैं, तो आपको खाना खाने की इच्छा जागृत होती है, आपको खाने में रुचि उत्पन्न होती है, आपको खाने को देख के अच्छा फील होता है और आप ठीक प्रकार से खाना खाने में सक्षम हो जाते हैं। इसके अलावा आप मुख शोष से पीड़ित नहीं होते हैं, कंठ शोष से पीड़ित नहीं होते हैं, यानी कि जो आपके मुंह में ड्राइनेस होती है, वह ड्राइनेस नहीं आती है और आप मुख की ड्राइनेस से पीड़ित नहीं होते हैं। इसके अलावा रोजाना यह कार्य करने से आपके होठों के फटने का डर नहीं रहता है, आपके होठ नहीं फटते हैं, आपके दांत टूटने का भय नहीं रहता है और आपकी जो दांतों की जड़ें होती हैं, वे मजबूत और बलवान हो जाती हैं और आपको दांतों में ठंडे और खट्टे पदार्थ लगते नहीं हैं। आपको दांतों में सेंसिटिविटी, टिंगलिंग सेंसेशन जो होती है, जो ठंडे पानी पीने से या आइसक्रीम खाने से एकदम सेंसेशन हो जाती है, इस प्रकार की सेंसेशन नहीं होती है। इसके अलावा आपके दांतों में दर्द भी नहीं होता है, टीथ पेन की समस्या भी नहीं होती है। इसके अलावा जो आपके दांत होते हैं, वे कठिन से कठिन जो खाने के पदार्थ होते हैं, उनको खाने में सक्षम हो जाते हैं, दांत मजबूत हो जाते हैं और बलवान हो जाते हैं। यह तो मैंने आपको सारे फायदे इस क्रिया के बता दिए, परंतु अभी तक इस क्रिया का नाम नहीं बताया है। तो इस क्रिया को गंडूष क्रिया कहते हैं, या आज के समय में यह क्रिया बहुत फेमस हो रही है और यह ऑयल पुलिंग के नाम से फेमस हो रही है। यह हजारों वर्षों पहले हमारी संहिता ग्रंथों में इस क्रिया का उल्लेख है और नित्य इस क्रिया को करने के लिए कहा गया है, परंतु बड़ा ही खेद का विषय है कि जब इन्हीं चीज़ों को उठाकर और वेस्टर्न कंट्रीज़ में ले जाया जाता है और वहाँ से जब यह चीज़ें नाम परिवर्तित होकर आती हैं, तो हम इन्हें करने लगते हैं। खैर चलिए यह बात छोड़ते हैं और हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि इसको करने की क्या विधि है, इसे कैसे करना चाहिए। तो जो गंडूष की क्रिया होती है, उसमें आपको मुख को पूरा भरना होता है। औषधि द्रव्य से भर सकते हैं आप, तेल से भर सकते हैं आप, पानी से भर सकते हैं आप, किसी काढ़े से भर सकते हैं, उस मुख को पूरा भरना होता है इस प्रकार से कि इसमें मुख को हिलाने की जगह ना रहे, मुख में इधर से उधर हिलाने की जगह ना हो। और मुख को भरने के बाद मुख को इस तरह से ऊंचा कर लेना होता है जिससे कि जो गले पर उसका प्रभाव पड़ सके। इसी में एक कवल क्रिया भी बताई गई है, उसमें जो औषधि द्रव्य होता है या जो स्नेह पदार्थ होता है, जो तेल होता है, उसको हम कम लेते हैं, लगभग 10 से 15 ml तक लेते हैं और उसे मुख में पूरी तरह से हिलाते हैं। वह भी क्रिया आप नित्य रूप से कर सकते हैं और अगर आप अधिक फायदे लेना चाहते हैं, तो आपको पूरा मुख भर के इस क्रिया को करना चाहिए।
अब प्रश्न उठता है कि यह कब करना चाहिए, तो सुबह उठने के बाद, अपने नित्य कर्म करने के बाद और दांतों को साफ करने के बाद, दांतों या पेस्ट करने के बाद इस क्रिया को आपको करना चाहिए। बहुत सारे लोगों में यह धारणा होती है कि जो गंडूष क्रिया है या कवल क्रिया है वह बासी मुंह करनी चाहिए, दांत साफ करने से पहले करनी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे आचार्यों ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि दांतों करने के बाद ही आपको गंडूष या कवल क्रिया करनी चाहिए। इसके अलावा अब प्रश्न उठता है कि यह कौन व्यक्ति कर सकता है, कौन कौन व्यक्ति इस क्रिया को कर सकता है, तो 5 वर्ष से ऊपर का कोई भी बालक या कोई भी व्यक्ति इस क्रिया को कर सकता है। जो भी व्यक्ति आयुर्वेद में आस्था रखता हो या आयुर्वेद के प्रथम उद्देश्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम में आस्था रखता हो, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहता हो, अपने स्वास्थ्य को प्रिवेंट करना चाहता हो और स्वस्थ रहकर लंबी आयु जीना चाहता हो, वह सभी व्यक्ति इस कार्य को कर सकते हैं, डेली रूटीन में कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस कार्य को किस प्रकार करना चाहिए, किस औषधि द्रव्य से करना चाहिए, तो यह मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। तो ऐसे व्यक्ति जो वातज मुख रोगों से पीड़ित हों, या जिन लोगों को मुंह सूखने की समस्या रहती हो, या जिन लोगों को दांतों में सेंसिटिविटी हो, ठंडा पानी उन्हें लगता हो, उनको इस प्रकार से गंडूष क्रिया करनी चाहिए। उन लोगों को 5 से 10 ग्राम तिल ले लेने हैं और तिलों को पानी में डालकर उनकी चटनी बना लेनी है, उन्हें पीस लेना है, अच्छी प्रकार से तिल की चटनी सी बना लेनी है और उन्हें पीस लेना है। फिर उसमें इतना पानी डाल देना है, गर्म पानी डालना है और इतना पानी डाल देना है कि वह सभी मुंह में आ सके, और उसको डालकर उसका आपको गंडूष करना है। और गंडूष इस प्रकार करना है, इस प्रकार मुख भर के गंडूष करना है, और तब तक गंडूष करना है जब तक आपकी आंखों से स्राव ना आने लग जाए, आपकी नासिका से स्राव ना आने लग जाए, मतलब आंखों और नाक में से जब तक पानी ना आने लग जाए तब तक गंडूष करना है, और उसके बाद उसको फेंक देना है। इस प्रकार अगर आप गंडूष क्रिया करते हैं तो जो आपके दांतों के हिलने की शिकायत होती है, या आपके दांतों में जो सेंसिटिविटी होती है, जो आपको ठंडा या खट्टा पानी लगता है, वह सभी चीज़ें इसके प्रयोग से दूर होने लगती हैं। इसके अलावा जो लोग पित्तज रोगों से पीड़ित हों, या जिन लोगों के मुंह में दाह पड़ती हो, जलन होती हो, जो लोग मुखपाक से, यानी जिन लोगों के मुंह में छाले हो रहे हों, स्टोमेटाइटिस से पीड़ित हों, या जिन लोगों का मुंह जलने की शिकायत हो, चाय से या कॉफ़ी से जब मुंह जल जाता है, या अत्यंत गर्म पदार्थ खाने से जब मुंह जल जाता है, तो उनको इस प्रकार गंडूष करना है। उन वे लोग घी से गंडूष कर सकते हैं, गाय के घी से, या गाय के दूध से गंडूष कर सकते हैं, या गाय के दूध में गाय का घी डालकर गंडूष कर सकते हैं। इस प्रकार अगर आप, और शीतल करना है, ठंडा करना है, गर्म नहीं करना है, जो अगर दूध भी लें तो ठंडा दूध होना चाहिए, ठंडे से मतलब फ्रिज का ठंडा नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर का दूध होना चाहिए। तो अगर आप इस प्रकार गंडूष क्रिया करते हैं तो आपके जो मुंह में जलन की शिकायत रहती है, जो आपको मुंह के छाले रहते हैं, या आपको मिर्च की ज्यादा जलन लगती हो, या आपका मुंह किसी चीज से जल गया हो, इन सभी चीजों में आपको विशेष रूप से आराम मिलता है और आपके मुंह में जो जलन होती है, जो दाह होती है, वह कम होने लगती है। इसके अलावा जो लोग मुख स्वस्थ रखने के लिए गंडूष करना चाहते हैं, या जिन लोगों को प्यास ज़्यादा लगती हो, ऐसे लोग गंडूष करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग शहद से, हनी से, या पानी में शहद डालकर वे गंडूष कर सकते हैं। आप उतना पानी लीजिए जितना आप मुंह में आ सके, और उसमें 2 चम्मच शहद घोलकर, और इस पानी से आप गंडूष कर सकते हैं। इस प्रकार आप गंडूष लगातार करेंगे तो आपको जो मुख है उसमें स्वच्छता आएगी, और मुंह में जो घाव होते हैं वे घाव भरने का भी कार्य होगा, और जो आपको ज़्यादा प्यास लगने की शिकायत रहती है तो प्यास भी आपको कम लगेगी, और मुँह में जलन की भी शिकायत आपकी धीरे धीरे कम होने लगेगी। इसके अलावा जिन लोगों के मुंह में या गले में कफ अटका रहता हो, या कफ रोग ज़्यादा हो रहे हों, तो ऐसे लोग टंकण जल का प्रयोग गंडूष क्रिया में कर सकते हैं। उनको क्या करना है, उनको सुहागे का फूला लेना है और लगभग 0.5 ग्राम यानी 500 मिलीग्राम सुहागा पानी में घोल लेना है, इतने पानी में घोलना है जितना मुंह में आ सके, और उसका गंडूष करना है। इसको करने से जो आपके मुंह में कफ होगा, गले में कफ होगा, वह बाहर निकलने लगेगा,
और आपको कफ दोष जन्य रोगों में आराम मिलेगा। इसके अलावा स्वस्थ व्यक्ति जो है वह गुनगुने जल का प्रयोग भी गंडूष में कर सकते हैं और कफज रोगों में भी गुनगुने जल का प्रयोग गंडूष में किया जा सकता है। और यह ध्यान रखना है कि जब भी गंडूष करें तो मुख उठाकर इस तरह से मुख करके इस तरह से करें जिससे कि गले तक उसका प्रभाव आ सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि तब तक गंडूष द्रव का धारण रखना है जब तक आपका मुख जो है वह कफ से न भर जाए, आपकी आंखों से और नाक से स्राव न उत्पन्न होने लगे, तब तक आपको गंडूष द्रव का धारण करना है। तो आप इस प्रकार से अगर गंडूष क्रिया का लगातार प्रयोग करेंगे तो आपको वह सभी फायदे होंगे। आपके दांत मजबूत होंगे, आपके मसूड़े मजबूत होंगे, आपके जो दोनों जबड़े हैं वे बलवान हो जाएंगे, कठिन से कठिन पदार्थों को खाने में सक्षम हो जाएंगे, जो दांतों की सेंसिटिविटी की समस्या है वह भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। और इसके अलावा आपकी वॉइस भी क्लियर होगी, आवाज़ भी क्लियर होगी, आपको टेस्ट की अनुभूति भी प्रॉपर होगी, खाना खाने में रुचि होगी, यह सारे फायदे आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, गंडूष के संबंध में यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसी आपको जानकारी लग रही है और आप किन किन विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं, किन किन विषयों पर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।